हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रवीण शाह आज मैं आप लोगों को ब्लोअर और कंप्रेसर के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि ब्लोअर और कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है इन दोनों का काम एक है इन दोनों को वर्किंग एक है दोनों ही एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले इनका कंप्रेशन रेशियो जानना पड़ेगा क्योंकि ब्लोअर और कंप्रेसर का डिफरेंस इसके कंप्रेशन रेशियो से डिफाइन किया जाता है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कंप्रेशन रेशियो को डिफाइन किया जाता है आइस दी रेशियो ऑफ दी फाइनल प्रेशर टू दी इनिशियल प्रेशर ऑफ दी एयर बीइंग कंप्रेस्ड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होता है कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू फाइनल प्रेशर बटा इनिशियल प्रेशर तो अब बात करते हैं ब्लोअर का तो ब्लोअर का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है ब्लोअर का कंप्रेशन रेशियो जनरली 1.1 से 1.2 के बीच में होता है मतलब ब्लोअर इनपुट एयर को थोड़ा सा कंप्रेस करता है ताकि आउटपुट प्रेशर इनपुट प्रेशर से टेन से ट्वेंटी परसेंट ज्यादा हो सके कंप्रेसर कंप्रेसर का जो कंप्रेशन रेशियो होता है काफी हाई होता है फॉर एग्जाम्पल जो रेसी प्रोकटिंग कंप्रेशर होता है इसका कंप्रेशन रेशियो थ्री से टेन के बीच में हो सकता है जबकि सेंट्रीप्यूगल कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो थ्री से एट के बीच में हो सकता है और हाई प्रेशर जो स्क्रू कंप्रेसर होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं इनका कंप्रेशन रेशियो ट्वेंटी या उससे भी ज़्यादा हो सकता है मतलब कंप्रेसर इनपुट एयर को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करता है ताकि आउटपुट प्रेशर इनपुट प्रेशर से कई गुना ज़्यादा हो यदि हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो अगर ब्लोअर के सेक्शन में इनलेट प्रेशर वन बार हो तो आउटपुट प्रेशर कितना होगा मैक्सिमम वन पॉइंट टू बार तक हो सकता है क्योंकि इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वन पॉइंट टू है तो इसका कंप्रेशन रेशियो तो क्या हो जाएगा यदि 1 बार सेक्शन में है आउटपुट में 1.2 बार है तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा 1.2 रेशियो 1 कंप्रेसर की बात करें तो अगर एक कंप्रेसर में इनपुट प्रेशर 1 बार हो और आउटपुट प्रेशर 10 बार हो तो मतलब कि इसका कंप्रेशन रेशियो कितना हो गया 10 रेशियो 1 इसलिए कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है इसलिए कंप्रेशन रेशियो 1 महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जो कि ब्लोअर और कंप्रेसर के बीच में डिफरेंस को बताता है अगर हम लोग सीधा बोले तो जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है ब्लोअर से ज्यादा होता है ब्लोअर का डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर से कम होता है ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थैंक यू दोस्तों